अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहराज गार्डनिंग आइडियल खुश आमदीद। वेलकम कहीं जनाब तुम अपनी गार्डनिंग असी तुहाडे सामने। अल्लाह का फजल मालिक जी रहमत है, ठीक ठाक राजी खुशी हाँ। तो दोस्तों जिन्हें भी साढ़े मुस्लिम भाई ने, मैं मुस्लिम होने के नाते सारियां नूं वड्डी दीबो दीबो दी मुबारक देना, ठीक है दोस्तों। मेरी तरफ तुहानूं खुशियां, तुहाडे घर वालियां नूं अल्लाह पाक इन्नियां खुशियां दे कि समेटियां ना जान, तो खुश हो जाओ, ठीक है जी। ईद मुबारक सारे दोस्तों। तो अज दोस्तों कम शम कोई नहीं करना, अज तुहानूं पौद्यां दे मुतल्लक मुतारफ करवाना। फिर नवे सिरे तो नवे वीवर से जिहड़े उन्होंने मुतारफ करवावे, तो पौद्यां दे नाम दसांगे, उन्हां दी शान दसांगे। जिन्ने दसे गए थोड़े तो थोड़े वक्त कम रंबी का कोई नहीं, एक पौधे से गल नहीं करांगे, ज़्यादा पौधे से गल करांगे। लो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, एक ऐसी पौधा चुकनी है जी अपने को, इतने काफ़ी वरायटियां ने। मैं ये भी वीडियो पाई है, तो यह कि सोहना है, ये पत्ते खराब हो गए, पत्ते भी मैं लाना तो गल करना दोस्तों। इस पौधे का नाम है ड्राई सोना पौधा, यदा पौधा इनू फुल सुरख कलर का लगता, सिटा नवा तो फुल ना होने बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। ये पौधे की हाइट तकरीबन 3 से 4 फुट हो जाती है, इस काफ़ी वरायटियां होंगे ने, काफ़ी सारिया वरायटियां होंगे ने, ठीक है दोस्तों। कि हसीन तो कि सोहना पौधा है, सारा मिट्टी जी लगी है माड़ी जी, घटा शिटा लगे ना, ये बारिश पै के तो पानी उपर चढ़ गया, उधर माशाला बड़ी सोहनी बारिश हुई है, ठीक है जी। ड्राई सोना यदा नाम है, इनडोर प्लांट है, आउटडोर भी रहा है। इस डब्बी तैयार असा किया, व्डे गमले च लाओगे पत्ते दे एडे एडे रहने नहीं, ये काफ़ी वरायटी होंगे। एक वरायटी तो असं ये गल की है, यदा नाम ड्राई फो ड्राई सोना है, तो गमले का पौधा। और एक बखाने दोस्तों, लो भाई दोस्तों एक है, इस पौधे से भी असं वीडियो बनाई है, साढ़े चैनल से जाओगे वेखोगे तो फिर आप पता लगेगा केड़ा प्यारा। एक ग्लोब है, इहदा नाम दोस्तों रेड सकलेरिया का पौधा है, तो बड़ा खूबसूरत प्लांट होंदा है। ये इनडोर भी चलता है तो आउटडोर भी चलता है दोस्तों। यह जरा वेख मट्टी छट्टी वेख रहे हो तुम, आ मट्टी असा झार लेने है, बोलो वेखो कि घटा झार रहा, क्योंकि बारिश पई सी तो पानी के डुब गया, साढ़े शहर का पानी आया डुब गया, फिर पानी निकलिया हूँ वेखो, ठीक है जी। इहदा नाम रेड सकलेरिया ग्लोब बनता है, बालकोनिया च लगता है, दीवारियां च लगता पौधा, गमलिया च लगता है, जमीन च लगता है, क्यारियां च लगता है, इनडोर है, आउटडोर है, आल अराउंडर पौधा है, ठीक है जी। रेड सकलेरिया ये भी असी तैयार किया, ये तो भी असं वीडियो पाई। लो दोस्तों असी तुहानूं आ पौधा विखाने, लो भाई दोस्तों असी तुहानूं हुण आ पौधा विखाने। ये तो काफ़ी मेहनत होंगी है, तो यदि नशो नमा बहुत ही घट होंगी है, बहुत घट होंगी है। इस पौधे मूवी फाइकस कहें, यो पौधा जिसे स्टैप बनते हैं, जिस तरह क्या मैं कटिया होया तो ग्रीन हो गया, ये भी मैं वीडियो पाई सी, ठीक है। पुराने किए हुए काम में फिर दोबारा तुम्हें दोस्तों विखा रहे हैं, ईद का दिन है तो वास्ते मूवी फाइकस है। यह मैं इतों कटिया, स्टैप मुकम्मल होएगा, दूसरा स्टैप मैं ए इतों कटिया, ये भी इतने मुकम्मल ग्लोब बनेगा, तीसरा स्टैप असी वह कटिया साइडा तो गोल पर छेती बनाई है, ठीक है जी। ये पौधा मूवी फाइकस है, तो इस पौधे की हूँ मेरे को जी उम्र है तकरीबन 6 साल हो गई है, तो कि डक लिया के लाया सी दोस्तों, तकरीबन ये डक लिया के लाया सी ऐ वाला, ठीक है। मूवी फाइकस है, आउटडोर प्लांट है, फुल कोई नहीं लगते, बोनसाई यदि बनती है, यानी कि जरा ये काम किया जाता ना, उन्होंने असं अपनी जबान च बोनसाई कहने, मूवी फाइकस का पौधा है, सदाबहार है। लो दोस्तों एक लागे ही अपने को जमीन से लगा हुआ, तो बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा पौधा है। यदा नाम दोस्तों कंघी पाम है, ठीक है जी। कंघी पाम का पौधा है, कंघी तरह के पत्ते होंगे ने, तो बड़ा खूबसूरत बड़ा ही प्यारा प्लांट है, ये भी सदाबहार है। यदि खासियत यह कि दोस्तों साल च एक दफ़ा इन्हें पत्ते कटने ने, अपने पत्ते साल च एक दफ़ा कटने ने, जो पौधा मौसम बहार च पत्ते कड ले तो बड़े ही खुश आमदीद, तो जे गर्मी से पत्ते कटे तो ज़्यादातर गर्मी से पत्ते सड़ भी जाते, बड़े एहसास जो बड़े नरम जे पत्ते होंगे जो निकलते हैं तो सड़ जाते हैं, तो जो सड़ जाए तो परेशानी नहीं लैनी, उन्होंने कट देने अगले साल मौसम बहार से निकलेगा। खुराक काफ़ी मनद है, जिनी खुराक पालो ये वास्ते बहुत अच्छी है। कंघी पाम का पौधा है, ठीक है। ये मुतलक तुम मुतारफ करवाया, आओ जी दोस्तों
अपने को एक ऐ पौधा है, पौधे अपने को बड़े ने जिनी छोटे थोड़े थोड़े वगैरह जिनी गल हुई उन्नी करा इनू लैमन ग्रास कहते हैं दोस्तों। इनू तराश के फ्रैश लैमन ग्रास जरा कावा कहते वो पीता जाता है पेट दी बीमारियों वास्ते बहुत ही अच्छा घर की ग्रीनरी वास्ते बहुत अच्छा होता है। तो यह पत्ता तोड़ लीए ना तो खुशबू बड़ी प्यारी आती है। ईद के दिन गोश्त गुश्त खाधा हो तो जनाब यदा कावा बनाओ थोड़ी चीनी पाओ इनू कटो कट के जिस तरह पत्ती का कावा कटी जा कट के पुन के जनाब तुम करो। ये भी सदाबहार प्लांट है तो ये भी ये भी असं वीडियो तकरीबन एक पा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, लो दोस्तों एक ऐ लागे जहा पौधा पे अपने को वाला ऐ फुल विखाओ जी। ऐ फुल सदाबहार पौधा है, इनू चानना मोतिया कहें दोस्तों, चानना मोतिया कहें। यह भी सदाबहार पौधा है तो फुल की खुशबू धीमी जी आती है, धीमी जी खुशबू आती है। मौसम गर्मा च बहुत ज़्यादा फुल चुकता है, सर्दियों जरा थोड़े जे घट चुकता है। लो दोस्तों एक प्लांट गमले वाला तुम्हें विखाया, एक वो विखाया, दो कंगी पाम, तीन है चार, तकरीबन असा चार पौधे की गल कर ली है। तो मजीद होर चल के तुम विखाने अपनी गार्डनिंग जो साढ़े दोस्त नवे वेखन वाले हो। जनाब मैं माजरत चाहना, मेरे कैमरामैन ने मुझे याद कराया कि तू पांच पौधों की गल की है, पौधों की असी की पल टाइम तकरीबन छे मिनट है। साढ़े चैनल सबसक्राइब करो, जो नवे लोग देखने वाले ने बैल आइकॉन के बटन दबाओ, दोस्तों शेयर करना है, साडा साथ देना है, तो इंशाल्लाह होर भी तुम्हें विखाने चलने जी। अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो दोस्तों इस पौधे की भी असं गल कर चुके हैं, यदा नाम नाखदान है, ये भी वीडियो पाई है असी, अज तुम सैर करानी है। जो नवे वेखन वाले ने उन्होंने भी तो पुराने भी कि भाई अं पुराने पौधों की जी गल की दोबारा फिर, क्योंकि ईद का दिन है तो कोई लम्मा चौड़ा काम नहीं खोलना, तो नवा चौड़ा कट्टा नहीं खोलना, सा पुराने काम तो विखानी है। यदा नाखदाना यदा नाम है, फुल इनू कोई नहीं लगते, सर्दियों इनडोर तो गर्मियों आउटडोर पौधा होंगे। तो यह 12 के गमले च लाया है तो बहुत व्डा नहीं होंगे, इतने इन्हें फैल फूल जाना है तो बड़े खूबसूरत प्लांट होंगे दोस्तों। ठीक है, इंशाल्लाह अगू होर भी विखाने। लो भाई दोस्तों असी फिर आ गए अपने नर्सरी के फ्रेंड तू आए हैं, तो चंद पौधे तुम्हें विखाए ने अपने को बड़ी तादाद पौधे ने, तो बड़े पौधे दी अलग गल्लां करन वालियां ने। ए भी पौधे से मारो जी कैमरा। लो दोस्तों इस पौधे नू तने की वीडियो बनाई कि तने तो तैयार करी दा, सर्दियों तकरीबन बनाई दिसंबर के महीने जनवरी तकरीबन तकरीबन जनवरी बनाई यदि वीडियो, तो असी तने की वीडियो यदि बनाई कि तना लाओ तुम तैयार करो, फिर इनू अद्ध बजे का तैयार होया तो फिर ये विखाया असी, तो हूँ साढ़ा माशाल्लाह इस सेल के काबर तो खूबसूरत प्लांट तैयार हो गया। ठीक है जी, इनू दोस्तों कैना कहें, कैना कैना प्लांट से कहें, इनडोर भी चल जाता है, आउटडोर भी चलता है, पोट प्लांट भी है, तो गमले वाला भी है, तो जमीन वाला भी। ठीक है दोस्तों, और मजीद तुम विखाइए और मजीद। लो भाई दोस्तों साढ़े को एलोवेरा तैयार है, बच्चे तो तैयार करी दिया, ये मतलब कि असं वीडियो पाई कि इनू किस तरह तैयार करना है, किन्नी मट्टी चाहिए है, कि मट्टी चाहिए है, ये भी वीडियो साढ़े चैनल दे विच है। तो यह अपना एलोवेरा, ठीक है जी, एलोवेरे ते भी असीं वीडियो पाई है इंशाल्लाह अलहम्दुलिल्लाह। आओ जी मजीद होर पौधे विखाने हैं तुहानू। दोस्तों सामने साडा पौधा तैयार, हवाई फैकस का पौधा है, ये तो तुहानू वीडियो नहीं पा के विखाई, इहदा मतबादल पौधा है, ये मतबादल एक पौधा है, वो नाल ही मिलता जुलता है। दूसरी साइड से कैमरा मैन जी परली साइड से वह विखाओ पौधा दूसरा वड्डा, ये नर्सरी वाला फर्क कर सकता है, एक आम कस्टमर बहुत घट फर्क करता है। जिदे कोल मैं खलोता सा जो पहला वीडियो विखाइए तुहानू ए वाला पौधा दोस्तों, इनू हवाई फैकस कहें, उन्होंने स्टारलाइट फाइकस कहें, हाँ स्टारलाइट फाइकस से वीडियो पाई है, विखाओ जी अच्छे तरीके दोस्तों, हवाई फैकस का पौधा है। लो भाई दोस्तों साढ़े कैमरामैन ने दसिया कि तुहाडा टाइम तकरीबन 10 मिनट के करीब हो रहा, वीडियो लंबी नहीं करनी, मैं सारा दिन भी तुम्हें पौधे का विजिट कराता रहना, तुह आके जाना तुह कहना यार की बंदा है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करांगे इंशाल्लाह। हाले बड़े पौधे ने अपने को, पौधों के नाम दसांगे, पौधों के मतलब तुहानू दसांगे किस तरह इन्हां नू एयर लेडिंग होंदी है, की काम होंदे ने, किस तरह प्यौंट काढ़ी है, किस तरह कौंपल तो चलता है, बीज तो चलता है, धुप वाला है, छाँव वाला है, वाटर प्लांट है, की मामला। तो ठीक है दोस्तों, तो अपने मेज़बान जनाब फिर हूँ तुम इजाजत दो,
वक्त की किल्लत होंदिया हो